नमस्कार दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। 11 अगस्त को आपके नजदीकी थिएटरों में दो मूवी तो रिलीज हो गई हैं, लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन। लेकिन आपको देखना कौन सी मूवी है, संदेह में है आप। मैं बताता हूँ आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, चलिए लाल सिंह चड्ढा से। लाल सिंह चड्ढा जो कि फॉरेस्ट गंप की एक रीमेक है, बट उसमें रीमेक नहीं है। सुनिए सुनिए, रीमेक तो है लेकिन रीमेक नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आई? मैं बताता हूँ, लाल सिंह चड्ढा मूवी को फॉरेस्ट गम से भी अलग मूवी बना दी, क्योंकि जो फॉरेस्ट गम की जो स्टोरी थी, उस स्टोरी को वर्ल्ड वाइड जो चीजों को दिखाया गया था, और उन सब चीजों को ले जाकर के अगर इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया के कल्चर में, इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया के सोशल इशूज पे किस तरह से उसको ढालना है, किस तरह से उसको अंदर लाना है, उस स्टोरी को अपने इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ा काम किया डायरेक्टर ने, जो कि किया, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है उनके लिए वाकई सल्यूट है। इस मूवी के अंदर इंडिया को 50 साल पीछे करने दिखाया गया, जिसमें बहुत सारे इंडिया के जो प्रमुख घटनाएं हैं, इंदिरा गांधी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की हत्या, और इसके बाद में बाबरी मस्जिद, यहाँ तक कि जन लोकपाल बिल की भी बात की गई, और भारत का स्वच्छता अभियान है उसकी भी बात की गई। वो भी चीज मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है स्टोरी में, शुरू से ही मैसेज देने का काम करती है, इंस्पायर करने का काम करती है। लेकिन उस मूवी में जो एक बहुत ही बढ़िया वर्ड बोला आमिर खान ने, वो वर्ड क्या था कि मेरी माँ कहती है कि धर्म और कुछ नहीं होता है, क्योंकि धर्म से मलेरिया फैलता है। यहाँ पे मलेरिया का मतलब ये है, धर्म से सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, मारपीट होती है। तो ये मैसेज जो दिया है आमिर खान ने, और उस वर्ड में दिया, इसको एक कॉमेडी के वर्ड में दिया है, वो बहुत ही वाकई मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज था ये। और ये मूवी आपको जैसे जैसे आप बैठ रहेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे इमोशनल भी करती चली जाएगी, लेकिन आपको बीच में भी एक बार ही बोरिंग नहीं होगा। अगर आप इस मूवी में एक बार लीन हो गए तो दोबारा आपको इस मूवी से हटने का मन नहीं करेगा। मूवी बड़ी है लेकिन स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ये लगता है आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बट स्टोरी में एक नई नई जान आती रहती है। तो अगर बात करें मूवी की कहानी की, तो मूवी कहानी शुरू होती है, लाल सिंह चड्ढा का बचपन दिखाया गया, बचपन से ही मूवी इंस्पायर करती है। छोटा सा होता है, स्कूल कॉलेज अपना जब जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे स्टैंड होता है और अपनी एक लाइन इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो जाए किधर, उसको खुद नहीं पता कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। फिर वो डिसाइड करता है कारगिल में जाता है, और जो एक रूपा नाम की एक लड़की होती है, रूपा वो मेला वाली रूपा नहीं, यहाँ दूसरी रूपा है, तो वो रूपा आमिर खान की बहुत अच्छी दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है उसकी, सब कुछ होती है। वो रूपा को बहुत प्यार करता है, एक तरफा प्यार करता है, बट रूपा को क्या चाहिए होता है, पैसा, और पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, दुबई मुंबई और हर जगह वो जाती थी पैसा कमाने के लिए। उसको मॉडलिंग का शौक था, एक्ट्रेस बनने का शौक था उसको, लेकिन आमिर खान एक तरफा उससे सीधा साधा बंदा था, वो उससे प्यार करता रहता है लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर करती रहती है। फिर स्टोरी शुरू होती है इसके बाद में, जब आमिर खान कारगिल में युद्ध में शामिल होता है तो वहाँ उसको बाला से मुलाकात होती है, बाला उसका दोस्त होता है, बाला को एक बिजनेस करना होता है, वो बिजनेस क्या होता है, चड्ढी और बनियान का। फिर आमिर खान आता है, बाला की कारगिल युद्ध में डेथ हो जाती है, लाल सिंह चड्ढा आता है और लाल सिंह चड्ढा उसका व्यापार बढ़ाता है। फिर उसी कारगिल युद्ध में आमिर खान एक टेररिस्ट को बचा लाता है, उसको नहीं पता होता कि टेररिस्ट है या नहीं है, कौन है, लेकिन उसी टेररिस्ट को बचा लाता है। फिर वो टेररिस्ट जो मैसेज देता है, वो आतंकवादी जो मैसेज देता है कि पाकिस्तान में कैसे लोग हमको ब्रेन वॉश करके हमारा कैसे हमको जिहादी बना देते हैं, कैसे हमको आतंकवादी बना देते हैं, वो टीवी देख के, फिर वो आमिर खान और उन दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत हो जाती है और वो दोनों मिलके बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो इस मूवी में जो चीज़ दिखाई गई है बहुत ही मतलब वाकई अच्छी चीज़ दिखाई गई है। अगर आप इंटरेस्टिंग सोशल इशूज पे इंटरेस्टिंग है, आपको इमोशनल चीज़ें पसंद आती हैं, मूवी में थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी है, तो आपको बोर नहीं करेगी बिल्कुल मूवी, आप देख सकते हैं आराम से बैठ के, चिल मार के देख सकते हैं मूवी को। और आमिर खान की जो एक्टिंग है वो लाजवाब तो है, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो ये है कि आमिर खान ने जो रोल किया बच्चों वाला, हाँ हाँ, ये सब पहले भी कर चुके हैं, कब, पीके में, धूम में, और इस तरह के रोल मतलब पहले भी कर चुके हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कुछ अलग लेके आएंगे, लेकिन मूवी की जो स्टोरी थी उसमें तो अदम था ही, बट आमिर खान की जो एक्टिंग थी थोड़ा सा पहले भी हम देख चुके हैं अगर उसमें, हाँ, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो लाल सिंह चड्ढा बनते हैं, लाल हमारा जब लाल सिंह चड्ढा बनता है तब मूवी में दम आता है, और आप घुसते चले जाएंगे, लाल सिंह चड्ढा पूरा इंडिया दौड़ता रहता है, 4-5 साल वो दौड़ता ही रहता है, उसको खुद नहीं पता कि क्या कर रहा, फिर एक बार अचानक रुक जाता है, बोलता है मैं थक गया, लौट जाता है। तो मूवी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सिखाती है आपको। तो आप यही कहेंगे पहले भी हम देख चुके हैं आमिर खान का पीके में, धूम में, बट आमिर खान आमिर खान है, उनकी जो एक्टिंग थी लाजवाब थी, आप मूवी को बिना ब्रेक लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन मूवी अक्षय कुमार की जो स्टारडम मूवी है, जैसे कि अक्षय कुमार फेमस है अपने कॉमेडी के लिए और अपने एक्शन के लिए फेमस है, लेकिन कॉमेडी का जो इसमें तड़का दिया गया अक्षय कुमार के द्वारा रक्षाबंधन में, वो वाकई आपको याद दिलाता है अक्षय कुमार की पुरानी मूवियों पर, जिनमें अक्षय कुमार थे राजू भाई,
वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस मूवी में। गोलगप्पे की दुकान होती है उसकी, और गोलगप्पे का जो सीन होता है कि जो भी गोलगप्पा खाएगा अक्षय कुमार को उसको लड़का पैदा होगा, ऐसी मतलब चीजें दिखाई गई हैं और उनको धीरे धीरे समाज से रिलेट करते हुए आगे बढ़ाया गया है। और अक्षय कुमार की जो शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने माँ से वादा किया होता है कि जब तक मैं अपनी चारों बहनों को शादी नहीं कर दूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, तो इस चक्कर में धीरे धीरे मूवी आगे और बढ़ती है। और फिर जो उनकी बहनों की जो कहानी होती है उसमें एक बहन उनकी काली होती है, एक मोटी होती है, उनको समाज में नकारा जाता है, लोग शादी नहीं करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसमें डावरी को भी दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब उसमें कंबाइंड करके कॉमेडी के साथ साथ धीरे धीरे इस मूवी को आगे बढ़ाया गया है। तो मूवी दोनों ही अपनी जगह बहुत बेस्ट है, एक्टिंग भी दोनों की बहुत जगह अपनी अपनी बेस्ट है, बट मूवी में आकर दोनों बात करें दोनों मूवी में थोड़ा थोड़ा ओवर एक्टिंग भी देखने को मिली है, आमिर की लाल सिंह चड्ढा में, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन में। तो अब बात करते हैं कि आपको मूवी देखनी कौन सी चाहिए। तो देखनी आपको दोनों मूवी चाहिए। अगर आपको कॉमेडी मूवी पसंद है, सोशल इशूज पसंद है, सोशल मैसेज पसंद है, तो आप रक्षाबंधन दे सकते हैं। आपको इमोशनल कॉमेडी, सोशल मैसेज एंड जो भी इंस्पायरेशन, अगर ऐसी चीज़ पसंद है तो आप जाके लाल सिंह चड्ढा दे सकते हैं। बाकी अगर कमाई की बात करें तो मूवियों ने कमाई तो ठीक ठाक नहीं की, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। आमिर खान की मूवी ने कमाया है वही 10-11 करोड़ एक दिन में, और अक्षय कुमार ने कमाया 7-8 करोड़, तो कुछ कमाई खास है नहीं। बट देखते हैं कि आमिर खान की मूवी जैसे कि चाइना में चली थी दंगल 1000 करोड़, एंड सेक्रेट सुपरस्टार जिसको हर कोई नकार रहा था इंडिया में, उसकी कमाई देख रहे हैं आप, जाने कितनी हज़ारों में कमाई हुई उसकी। तो देखते हैं आगे। तब बाकी दोनों मूवी अपनी जगह परफेक्ट है। आप अगर आपको देखना है तो एक शो टाइम रक्षाबंधन का अलग रखिए और लाल सिंह चड्ढा का अलग रखिए, क्योंकि दोनों आप देखेंगे, एक मूवी से आप रो के आइए, एक मूवी आप हंस के जाइए, आराम से आप ऐसा इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।